नमस्कार, मैं आपके साथ निशा, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया में चिकित्सा, भूख, आमदनी के लिए हर इंसान कहीं न कहीं जूझ रहा है। वहां जरूरी है कोई भी अपना कुछ न कुछ योगदान दे। 26 मई पूरी पार्षद और NSUI अध्यक्ष दीपक डंडोरिया के जन्मदिन पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। दीपक डंडोरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन से शुरू हुई जन रसोई द्वारा लोगों को निरंतर निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है, जो पूरे लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां अभी कोरोना महामारी के इस काल में सभी अस्पतालों में खून की कमी है और युवाओं को वैक्सीन लगवाने से पहले रक्तदान के लिए जागरूक करने के लिए टीम द्वारा मेरे जन्मदिन पर रक्तदान का शिविर लगाया गया है, जिसके तहत युवाओं को लगातार जागरूक करके रक्तदान कराया गया। व्यवस्थापक और महाविप्र फाउंडेशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि पहले भी विभिन्न जगहों पर करीब 300 यूनिट रक्त टीम के लोगों द्वारा ब्लड बैंकों में सौंपा गया और आगे भी ये आयोजन जारी रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी रहे, जिन्होंने लोगों को इस महाअभियान की शुरुआत के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं दी। आज आपने जो रक्तदान शिविर का जो प्रोग्राम रखा है वो किस उपलक्ष्य पर रखा है? देखिए, हमने जो रक्तदान का आयोजन रखा है, हमारी टीम ने जो आयोजन रखा है, तो ऐसे में हमने एक ड्राइव शुरू किया है। ये एक अभियान है, ये सिर्फ आज का ही एक ब्लड कैंप नहीं है। हमने एक अभियान शुरू किया है जिसमें जो युवा है वो वैक्सीन से पहले रक्तदान अवश्य करें। ये अभियान हमने शुरू किया है, इसमें हमारी सभी टीम लगी हुई है। हमारे बड़े भाई शिवमोहन जी, हमारे बड़े भाई लक्ष्मीकांत जी, ब्राह्मण महासभा के विनय जी, ये सभी लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि जो युवा वैक्सीन लगवाए तो वैक्सीन से पहले रक्तदान अवश्य करें और कोरोना पैंडेमिक जो है उससे लड़ने में मदद करें। और जो ब्लड कैंसर और थैलीसीमिया से पीड़ित, गंभीर पीड़ित जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए आज ब्लड बैंकों में बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है, उनके लिए ब्लड नहीं है। और जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ब्लड नहीं है, तो उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्राइव चला के ब्लड मुहैया कराएंगे। दीपक डंडोरिया, पूर्व अध्यक्ष। आप ये लगातार जन रसोई का जो प्रोग्राम चला रखा है।